बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में दाखिल पुनरीक्षण वाद पर बिहार के मुजफ्फरपुर की कोर्ट में सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया गया है। जिला जज ने सुशांत मामले में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, फिल्म मेकर करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला, संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार, एकता कपूर व दिनेश विजयवान को नोटिस जारी किया है। इन सभी लोगों को 7 अक्टूबर को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश करने का आदेश दिया गया है। मुजफ्फरपुर के वकील सुधीर ओझा ने सुशांत की मौत के बाद मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में 17 जून को परिवाद दाखिल किया था। सुधीर ओझा के परिवाद पर ही कोर्ट ने सलमान खान, करण जौहर समेत 8 लोगों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इन सभी सेलेब्स को इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा नोटिस भेजा जा चुका है। सुधीर ओझा ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए इन सभी को जिम्मेदार ठहराते हुए आईपीसी की धारा 306, 504 और 506 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। सुशांत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद गिरफ्तारियों का दौर जारी है। एनसीबी द्वारा भी इस मामले में कार्यवाही की जा रही है। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। खबरों की माने तो पूछताछ के दौरान रिया ने सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम लिया था। इसके अलावा रिया ने और 25 नाम बताए जिन पर अब एनसीबी की नजर है। सुशांत केस की जांच पहले मुंबई पुलिस आत्महत्या के एंगल से कर रही थी, लेकिन बाद में इस केस से जुड़ी कई अहम बातें सामने आई। पटना में सुशांत के पिता द्वारा एफआईआर कराने के बाद बिहार पुलिस ने भी इस केस की जांच शुरू की। आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।